हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 4 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग अ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर इन सीरीज यूजिंग जे ऑपरेटर। और इस सर्किट को हम आरसी सर्किट या सीआर सर्किट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर लेना है और उस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना है टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिससे हमें मिलेगा एक एसी सर्किट जिसको हम बोलते हैं आरसी सर्किट या फिर सीआर सर्किट। इस सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप क्या रहने वाला है, इस एसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस क्या रहने वाला है और इस एसी सर्किट के लिए फेसर डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, वही आज के इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अगर आपको ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो इसका सर्किट डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक की थ्योरी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर, जिसमें हमने रजिस्टर और कैपेसिटर को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है और इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और उस अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट है एम्पलीट्यूड और यू कैन से पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ओमेगा टी है फेस ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एट टाइम टी और कैपिटल ई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एट टाइम टी। और इस अल्टरनेटिंग सोर्स के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा आई और किसी टाइम टी के ऊपर इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने वी आर से डिनोट किया है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा एट एनी टाइम टी उसको हमने वीसी से डिनोट किया है। तो स्टूडेंट्स, ये सर्किट डायग्राम आप बनाएंगे। आइए बात करते हैं इसके थ्योरी में आप क्या लिखेंगे। Let a source of alternating EMF given by E is equal to E naught e raised to power j omega t be connected to a series combination of resistor R and a capacitor C as shown in the figure। तो हमने क्या किया, एक alternating EMF का सोर्स लिया और उस alternating EMF की इक्वेशन है E is equal to E naught e raised to power j omega t, उसे हमने कनेक्ट कर दिया एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर के साथ, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। लेट आई बी द करंट इन द सर्किट एट टाइम टी, हम मान लेते हैं किसी भी टाइम टी के ऊपर जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। तो स्टूडेंट्स, यहां तक लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक की थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर सी एट टाइम टी इज गिवन बाय, अब किसी भी टाइम टी के ऊपर कैपेसिटर सी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा बीसी, और ये किसके बराबर होगा, बीसी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ, जो हमें कहता है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, एक्चुअली ये दोनों एलिमेंट जो है, चाहे रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं और जब भी ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं एलिमेंट्स तो सेम करंट फ्लो करेगा इनमें से, तो आर के क्रॉस भी आई करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर सी के क्रॉस भी आई करंट फ्लो करेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम वीसी की वैल्यू निकालते हैं, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है सी के क्रॉस, और कैपेसिटर कितना ऑपोजिशन ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ एसी उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्ससी से डिनोट करते हैं। तो आर की जगह यहाँ पर हम लेंगे एक्ससी और एक्ससी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, वो होती है 1/ωc, तो आई बाय ओमेगा सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या ये एक्सप्रेशन कंप्लीट है, ये भी एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर आपको एक टर्म मल्टीप्लाई में लगानी है और वो टर्म क्या होगी, वो होगी माइनस जे। अब माइनस जे मल्टीप्लाई में क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि हमें पता है किसी भी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो करंट से लैग बिहाइंड करती है बाय एंगल पाई बाय टू, वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस करंट से पाई बाय टू एंगल जो है वो पीछे रहती है, तो इसलिए यहाँ पर हमें माइनस जे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 को। मैंने जे से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डीसी जो होता है वो आई से 90 डिग्री लैग करता है कैपेसिटर के अक्रॉस, ये आप जानते हैं। तो आपको लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, हेयर मल्टीप्लीकेशन बाय माइनस जे ऑन राइट हैंड साइड इज ड्यू टू द रीजन दैट वोल्टेज वी सी अक्रॉस कैपेसिटर सी लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट आई बाय पाई बाय 2। सेकेंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड में माइनस जे से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है डीसी वो अल्टरनेटिंग करंट आई से लैग बिहाइंड करती है बाय एंगल पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स डीसी की वैल्यू निकाल ली हमने, आई अब निकालते हैं वीआर की वैल्यू। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर आर एट टाइम टी इज गिवन बाय, अब वीआर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगेन बाय यूजिंग ओम्स लॉ जो हमें कहता है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है आई है और इस मल्टीप्लाई आर करेंगे। यहाँ पर क्या हम माइनस जे या प्लस जे से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। आप जानते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। तो वी आर इज इक्वल टू सिंपली हम आई आर लिखेंगे यहाँ, ना तो माइनस जे लिखेंगे साथ में मल्टीप्लाई में ना प्लस जे लिखेंगे। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के बाद की जो डेरिवेशन है वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम VR और VC की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, आइए फाइंड करते हैं टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। तो आप लाइन लिखेंगे टोटल वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय, अब इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी होगी, जितनी वोल्टेज ये है प्लस जितनी वोल्टेज ये है, मींस VR और VC का सम होगी। तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू में आप लिखेंगे VR प्लस VC, और ये टोटल वोल्टेज कितनी होगी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन that will be equal to applied EMF E के बराबर होगी। तो VR की वैल्यू पुट कर दीजिए IR थी, और VC की वैल्यू क्या थी, वो थी माइनस जे आई ओमेगा बाय ओमेगा सी, ये थी। और यहाँ से I कॉमन ले लीजिए तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर माइनस जे बाय ओमेगा सी, और I को नीचे ले जाइए आई ई अपॉन आई इज इक्वल टू आर माइनस जे बाय ओमेगा सी। इसको हम पुट करेंगे Z, और Z को हम क्या बोलते हैं आइए देखते हैं, वेयर जेड इज इक्वल टू आर माइनस जे बाय ओमेगा सी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय। देखिए स्टूडेंट्स ये एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आईटा बी, तो उसका मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं मॉड ऑफ जेड से, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ रियल पार्ट ए स्क्वायर प्लस स्क्वेयर ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो कि है बी बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, और साथ में जे का कोफिशियंट क्या है माइनस वन बाय ओमेगा सी है, तो माइनस वन बाय ओमेगा सी का स्क्वायर क्या होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर ये होगा। तो मोड ऑफ जेड भी हमने निकाल लिया, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी क्योंकि इसका आगे हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन में हम दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकाल चुके थे फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन ये थी फिफ्थ इक्वेशन ये थी। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट्स जेड को हम कैसे लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कॉस फाई माइनस जे मैग्नीट्यूड ऑफ जेड साइन फाई। यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जेड की वैल्यू में माइनस आ रहा है बीच में, जे जो है वो माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया गया है, जबकि एलआर सर्किट में यहाँ प्लस जे आ रहा था, तो हमने यहाँ पर जब ये फॉर्मूला लिखा था तो यहाँ पर हमने प्लस जे लगाया था एलआर सर्किट के केस में, क्योंकि वहां पर जेड की जो वैल्यू थी वो थी आर प्लस जे ओमेगा एल, तो इसलिए वहां प्लस लगाया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हमें माइनस ही लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मोड जेड आपने कॉमन ले लेना, यहाँ से अंदर बचेगा कॉस फाई माइनस जे साइन फाई, और आप जानते हैं कॉस फाई माइनस जे साइन फाई को कैसे लिख सकते हैं, मूवीज थोड़ा आपको पता है मैथ की क्या कहती है, कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं डी मूवीज थोड़ा अकॉर्डिंग ई की पावर माइनस आइटा थीटा। तो उसी प्रकार से कॉस फाइव माइनस जे साइन फाइव को हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस जे फाइव। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जेड की वैल्यू भी आ चुकी है और हमें ई की वैल्यू भी पता है, फर्स्ट इक्वेशन में ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू थी फर्स्ट इक्वेशन में ई नॉट ई रेस पावर जे ओमेगा टी जो कि थी अप्लाइड अल्टरनेटिंग ई एम एफ की इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे यूजिंग वन एंड सिक्स इन फोर, फर्स्ट और सिक्स इक्वेशन को यहाँ पर यूज करेंगे, तो ई की जगह क्या पुट करेंगे हम ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग ई जो था वो ई नॉट ई रेस पावर जे ओमेगा टी के बराबर था, और यहाँ पर आई ऐसे ही रहेगा, और इस जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी मोड ऑफ जेड ई की पावर माइनस जे फाइव। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को आप नीचे ले आइए और आई को इधर ले आइए, तो ये बनेगा ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, ये टर्म नीचे आ जाएगी मॉड ऑफ जेड ई की पावर माइनस जे फाइव इज इक्वल टू आई, इधर आ जाएगा इज इक्वल टू आई।
तो स्टूडेंट्स मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आपको पता है कितनी है, फिफ्थ इक्वेशन अकॉर्डिंग वो है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस जे फाइव ऊपर जाके प्लस जे फाइव हो जाएगा, e की पावर j ओमेगा t प्लस j phi इज इक्वल टू i। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन में हम यहां तक कर चुके थे e नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर e की पावर j ओमेगा t प्लस j phi इज इक्वल टू i था। तो स्टूडेंट्स इस रेशियो को हम i नॉट पुट करेंगे, ये होता है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन आरसी सर्किट, और यहां से जे कॉमन लेंगे, जे कॉमन लेके आपके पास अंदर बचेगा ओमेगा टी प्लस फाइव, सो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर आई नॉट को हमने पुट किया है, आई नॉट किसकी जगह पुट किया है ई नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पुट किया, और इसको हम बोलते हैं इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी इन द सर्किट, ये रिप्रेजेंट कर रही है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द आरसी सर्किट। तो स्टूडेंट्स ये हमारी करंट की इक्वेशन भी निकल चुकी है, इसको हम सेवंथ इक्वेशन देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन थी, वो क्या थी, ई इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो फेस है वो है ओमेगा टी, जबकि जो करंट का फेस निकल के आया है टाइम टी के ऊपर वो निकल के आया है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्लियरली यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि किसी भी आरसी सर्किट में, मींस उस एसी सर्किट में जिसमें एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं, उस सर्किट में जो करंट होता है वो वोल्टेज को फाई एंगल से लीड करता है। तो स्टूडेंट्स ये कंक्लूजन आप यहाँ पर लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 7 इट इज क्लियर दैट द अल्टरनेटिंग करंट एसी इन आरसी सर्किट लीड द अल्टरनेटिंग ईएमएफ बाय एन एंगल फाई। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को लीड करेगा बाय एंगल फाई इन एन आरसी सर्किट। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके पास फेस रिलेशनशिप निकल आया अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट के बीच में, जो कि आपको इस क्वेश्चन में निकालना था और साथ के साथ इंपीडेंस में निकालना था। आइए अब इंपीडेंस फाइंड करते हैं। अगर हम इस रिलेशन से E नॉट बाय I नॉट की वैल्यू फाइंड करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो हमें मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। बट हमें पता है वोल्टेज बाय करंट का रेशियो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। जो RC सर्किट ऑपोजिशन ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ AC इन द सर्किट, उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। तो स्टूडेंट्स RC सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो इसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। इतनी ऑपोजिशन ऑफर की जाएगी आरसी सर्किट के द्वारा टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका इंपीडेंस का एक्सप्रेशन भी आ गया, फेस रिलेशनशिप भी निकाल लिया, इंपीडेंस भी निकाल लिया। लास्ट स्टेप बचे है जो कि है फेसर डायग्राम, वो हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए ड्रॉ करते हैं फाइनली फेसर डायग्राम। तो फेसर डायग्राम में हमें क्या करना है, हमें जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस और जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी कैपेसिटर के अक्रॉस, उनको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और साथ के साथ जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगी उसको भी वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी रियल एक्सिस और ये है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वेक्टर, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जिसको हम ई जीरो आर से रिप्रेजेंट करेंगे। हम जानते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेस में होते हैं, तो करंट भी आपको सेम इसी एक्सिस के साथ ड्रॉ करना है। तो थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ किया है, वैसे इसके साथ ही होगा ये, इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ। ये है आई मैक्सिमम करंट आई जीरो की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया। अब हम जानते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसमें वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वो करंट से लैग बिहाइंड होती है बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो करंट हमारा ये है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 90 डिग्री लैग करेगी। तो वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वो हम यहाँ बनाएंगे, इसको हम डिनोट करेंगे ई जीरो सी से। तो अब हमें ई जीरो सी और ई जीरो आर का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से पैरेललोग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, इसको आप डॉटेड बना सकते हैं, डॉटेड ही बनाना आप इसको। और जो हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज होगी वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगी। ये है हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज जिसको हम डिनोट करेंगे, इसको हम ई जीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वी जीरो लिखेंगे, क्योंकि हमने वोल्टेज जो है वो वी जीरो से रिप्रेजेंट की थी आर के अक्रॉस, और यहाँ भी मैं वी जीरो लिख देता हूँ। अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी हमारी ये किसके बराबर होगी, ये होगी E0 इज इक्वल टू
बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, प्लस वी जीरो सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल ली है अक्रॉस आरसी सर्किट। तो अब हम एंगल ड्रॉ करेंगे, कौन सा एंगल कहां बनेगा। पहले इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन थी आई की, I is equal to I naught e raised to power j omega t plus phi, ये I की equation थी, और E की equation क्या थी, e naught e raised to power j omega t थी। करंट जो है वो voltage से phi angle आगे था, तो करंट हमारा ये है, resultant voltage ये है, तो ये angle जो है वो phi होगा, और इन दोनों voltages के बीच में जो phase difference होगा वो 90 degree का होगा, तो आप यहाँ पर 90 degree का angle draw करेंगे इस प्रकार से। और ये जो हमारी रिजल्टेंट ईएमएफ है इसका जो फेस है वो ओमेगा टी है, तो इस एक्सिस से आप ये वाला एंगल जो है वो ओमेगा टी बनाएंगे, तो नेचुरली है जो आई जो करंट का जो एंगल बनेगा वो ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा इस एक्सिस के साथ। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से बना के आना है, क्लियरली नीट एंड क्लीन बना के आना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आरसी सर्किट भी खत्म होता है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएलसी सर्किट, जिसमें हम तीनों कंपोनेंट्स को रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसका एनालिसिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मिलेंगे आरएलसी सर्किट के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच।